और उजबल्लामिनिशीआन बिस्मिल्लर वेरी वेनरेबल व्यूअर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड इट्स वी आर गोइंग टू शेयर दैट हाउ वी टू मैनेज दिस पर्सिस्टेंस अमंग चिल्ड्रन तो सबसे पहली बात यह है कि परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम बच्चों को ये बताएं ये सिखाएं कि हाउ दे टू कंप्लीट द टास्क विद कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी और बच्चे जो है ना उनकी तवज्जो इधर उधर हो जाती है बच्चे अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं रख सकते तो दैट टास्क हैज़ बिकम चैलेंजिंग फॉर दैट पर्सन तो हम ये सिखाना चाहते हैं कि टू कंप्लीट द टास्क within well in time is very uh, difficult sometimes and if we not manage or it has become challenging task sometime when we are not following the pathways we are going to settle but it's not so difficult that we cannot cover yes we can cover it by uh, adopting persistence activity एंड वी आर ऑल्सो टू एनक्रेज प्रैक्टिस इसका मतलब यह है कि द टास्क द चाइल्ड इज़ गोइंग टू तो डू उसको हम बताएँ कि इसको uh, जारी रखें और आसान टास्क पहले मुकमल करे उसके बाद मुश्किल एक्टिविटी को हम मैनेज करें और इसमें हम ये भी देखते हैं कि हम वर्बल uh, स्ट्रेटजीज इख्तियार करते हैं और हम चैलेंजेस को डील करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका ताल्लुक़ उसके काम से मतलब होता है हम उसको डायरेक्शन देते हैं और हम उसको मॉनिटर करते हैं और साथ साथ उसकी हेल्प करते हैं उसको बता रहे होते हैं कि उसका टास्क उसकी स्पीड और उसकी प्रोडक्टिविटी किस तरह से फाल है यूज़फुल है इसमें ये भी हम मद्देनज़र रखते हैं कि उसकी एक्टिविटी थ्रू आउट द टास्क शुड बी इन विजिलेंस और उसको ख़ुद भी मालूम हो कि मैंने पहले कुछ क्या कुछ किया है और अब मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ उसमें मैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ और इसके जो कनेक्टिविटी है पास्ट में जो टास्क है जो अभी हो रहा है और जो अभी हमने टारगेट अचीव करना है उसके दरमियान जो ब्रिजिंग है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए और इस सारे अमल के दौरान जो एक गोल है जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे के जहन में रहना चाहिए और अगर कहीं को रुकावट आती है जिसमें बच्चा अपने आप को ये महसूस करता है कि उसे को मुश्किल है हम उस मुश्किल को पहचानें और उसको रियलाइज़ कराएं कि इसको वो कैसे ओवरकम कर सकता है और उसके लिए हार्ड टास्क बनाने के बजाय सिंपल डायरेक्शंस की तरफ हमें उसे लाना चाहिए कि उसके जो सिंपल टास्क हैं पहले वो अपने मुकम्मल करें और इसमें हम ये भी देखते हैं कि बच्चा कोपिंग मॉडल इख्तियार करें कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज uh, करना है किस तरह से कूप करना है बहुत सारी मुश्किल ऐसी होती हैं जिसको हम खुद मैनेज कर सकते हैं मसलन मटीरियल प्रॉपर नहीं है मटीरियल अवेलेबल नहीं है या कुछ चीज़ें हैप हैजर्ड हो जाती हैं ड्यूरिंग अ टास्क तो उनको मीट करने के लिए हमें पहले से ही बच्चे को तैयार रखना चाहिए कि वो उन हैप हैजर्ड एमरजेंट में उन ज़रूरियात को पूरा कर सके इसमें यह भी है कि वो अपने सामने आ, रोल मॉडल रखे अपने आप को रोल मॉडल बनाए उस तरह से जिस तरह से बाकी लोगों ने काम किया और उन्होंने मुश्किल का सामना किया और हल निकाला और कामयाब हुए तो सक्सेसफुल स्टोरीज मस्ट बी इन माइंड और बच्चे को हमें उसकी एग्जांपल्स उसकी रीडिंग्स और उसकी कापिंग करने के लिए तरबियत देते रहना चाहिए उसमें ये होगा कि वो अपने जो परसिस्टेंस एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रख सकेगा और अपने टास्क को मुकम्मल कर सकेगा और ओवरऑल ही विल बी सक्सेसफुल ही विल बी भी एंड द पर्सन विल बी मोर प्रोडक्टिव इन हिज टास्क इन द एक्टिविटी थैंक यू वेरी मच